अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि क्या फरावर लिविंग कंपनी फ्रॉड है क्या यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो बेफिक्र रहिए फ्रेवर लिविंग कंपनी फ्रॉड नहीं है ना ही ये इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है तो सिर्फ कुछ काम करने के तरीके में बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मैंने फ्राइवर ज्वाइन किया है उन्होंने इतने का प्रोडक्ट लेने के लिए बोला है मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा सर मैंने आज मैं यहाँ ज्वाइन किया तीन सेशन किए उन्होंने मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा आ, काम करने के लिए सेवन थाउजेंड रुपीज मेरे से लिए अपने अकाउंट पे ले लिए क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ये सारे क्वेरीज मेरे को आते रहते हैं तो जो क्वेश्चन है देखिए ये वीडियो में एक एजुकेशन परपज से बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहे ठीक है सबसे पहले तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ ठीक है क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी आती है प्राइवर लिविंग ये कंपनी जो है ये फ्रॉड नहीं है ठीक है ये एकदम सही कंपनी है एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जैसे कोई भी और नॉर्मल कंपनी होती है ये आज अराउंड फोर्टी फाइव प्लस इयर्स से काम कर रही है कंपनी इंडिया के अंदर भी ट्वेंटी 20, ट्वेंटी में आई थी शायद टू थाउजेंड में आई थी तो आज मोर देन ट्वेंटी इंडिया के अंदर हो गए 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस है जहां ये कंपनी गई कभी वापस नहीं आई अगर आप इनके सर्टिफिकेट देखें ठीक है Forever के वेबसाइट पे जाके तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एनुअल रिटर्न्स इनकम टैक्स फाइलिंग पैन टैन लाइसेंस ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस इम्पोर्टर लाइसेंस जो भी एक कंपनी को काम सही तरीके से काम करने के लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और जो कंपनी ये चीज पब्लिक

एफ एल पी इंडिया डॉट नेट इस पर आप ई मेल कर सकते हो हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम बहुत स्ट्रांग है वो बहुत अच्छे से रिप्लाई और जल्दी रिप्लाई देते हैं अगर आप कर भी रहे हो तो दो तीन दिन का वेट करो आपको सही से रिप्लाई आएगा और इसी कम्पलाइंस वाले पेज के नीचे अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो किसी का एक्ड्यू आई डी आपको पता है फोन नंबर पता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम पता है तो आप उनके बारे में सर्च कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्रॉब्लम है उन्होंने उनों, आपके साथ गलत किया तो आपको लगता है फॉर एवर कंपनी में सभी ऐसे लोग हैं बिल्कुल नहीं कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं तो पूरे कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उनको लगता है वो क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी को राइट तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्रॉब्लम है तो उस केस में आप यहाँ पे आके फर एवर के, के वेबसाइट में लॉग करके अगर आप एफ हो आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो फर एवर के वेबसाइट में फॉरवर लर्विंग डॉट कॉम वेबसाइट पे अपना एफ बीओ पासवर्ड डाल के लॉग कीजिए और सबसे नीचे जब यहाँ पे आएंगे ना कम्पलाइंस डॉक्यूमेंट्स इस पर क्लिक करेंगे तो पेज खुलेगा जहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पे सर्च कर सकते हो सामने वाले का अगर फोन नंबर भी है ना आपके पास तो उसको डाल के आप सर्च कर सकते हो आपको एफ बी मिल जाएगा इस एफ बी को लेके आप कंप्लेन डाल सकते हो जो भी आपका कंप्लेन है फिर कंपनी उस पर एक्शन लेगी वो देखेगी कि क्या कंप्लेन सही है गलत है, सब कुछ वो चेक करती है और फिर एक्शन लेती है क्या होता है बहुत बार लोग ज्वाइनिंग के लिए पैसे ले लेते हैं गलत गलत चीज इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक है कि ज्वाइनिंग इतने पर्सनल अकाउंट में पैसे ले लेते हैं ठीक है और लोग सोचते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्यों पैसे लिए फॉर में प्रोडक्ट्स लेने होते हैं तो कंपनी को पे करना होता है अर्जेंसी बनाते हैं कि इतना कर लो नहीं तो आपका आ, कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा आईडी बंद हो जाएगी बहुत सारा टाइप का बात होता है गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है राइट एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि हाँ ज्वाइन कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और कभी कभार गलत एक्सपेक्टेशन भी कर दिया जाता है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इतनी इनकम तो फिक्स है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एक बिजनेस है एवर कंपनी हमें एक बिजनेस करने का मौका दे रही है जहां पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कमीशन मिलता है एट द सेम टाइम हम और लोगों को हेल्प करते हैं कि वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सके तो हम इनको हेल्प कर रहे हैं हम इनको गाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे चल के कुछ कंपनी के क्राइटेरिया है कि आप फोर सीसी एक्टिव आपको बिजनेस दिखाना होगा इसके बाद आपको अपने टीम के एफर्ट से भी यहाँ पे पैसा इनकम आता है पॉइंट तो यहाँ पे एक बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म है तो कोई भी बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं होती कोई सैलरी नहीं होता बिजनेस में कमीशन बेस्ड बिजनेस है जितना आप सेल्स कर पाएंगे तरीके से मार्केटिंग कर पाएंगे आपको उतनी इनकम आएगी राइट जितना अच्छा आपका टीम परफॉर्म करेगा आपको उतनी अच्छी इनकम आएगी राइट तो फर कंपनी फ्रॉड नहीं कुछ काम करने का तरीका गलत है एक लॉजिकल माइंड से मैं चाहता हूं कि आप सोचें ठीक है लॉजिकल माइंड से आप सोचें जिस भी कंपनी जिस भी लोग जिन भी लोगों को आप ज्वाइन करें सबसे पहले पूछिए कि पैसे कैसे आएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन ये पैसे कैसे आएंगे कि अगर कोई ये बोल देता है कि ये प्रोडक्ट का सेल्स का काम नहीं है पे कोई प्रोडक्ट सेल का काम नहीं है तो वहीं पर रुक जाइए क्योंकि तो आप नॉर्मली सोचिए कोई भी कंपनी हो ठीक है फॉर भी एक कंपनी है जिसका एक इंटेंशन है कि उसका अपना प्रोडक्ट बेचना है अब प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम को यूज सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को यूज करके वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं रेडी माई पॉइंट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करें कि जब जो भी कोई बोलता है कि प्रोडक्ट का सेल का काम नहीं है तो एक बार रुक जाओ समझो कि प्रोडक्ट का सेल का काम नहीं है तो फिर पैसे कैसे आएंगे क्योंकि तो अगर आप कंपनी को सेल ही नहीं दे रहे हो तो आपको कमीशन कहाँ से मिलेगा पहला चीज दूसरा चीज आप उनसे पूछो कि काम करने का तरीका क्या है ठीक है आपको किस टाइप के लोग चाहिए आपको यहाँ पे दो टाइप के लोग चाहिए एक वो जो आपको फरेवर में ज्वाइन करे बिना किसी को कॉल करे बिना किसी को कन्वेंस करे और एक वो जो आपसे प्रोडक्ट खरीदे जो सामने से बोले कि इनको फरेवर के प्रोडक्ट चाहिए तो ये कैसे पॉसिबल होगा किस तरीके से काम किया जा रहा है अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कुछ नंबर मिलेंगे इनको कॉल करना, करना है इनको कन्विंस करना है को करते तो, तो वहां प्रॉब्लम में फंस जाओगे Although वो भी एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है बट वो एक बहुत ही आउटडेटेड मार्केटिंग है जिससे आज के लिए पे रिजल्ट नहीं आता क्योंकि सबको फर पता है सबको नेटवर्क मार्केटिंग पता है आप किसी के लाइफ में पहले इंसान नहीं हो जो उसको बताओगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा लोग आप परेशान हो जाओगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि लोग रिजेक्ट करेंगे वो फोन नहीं उठाएंगे बोलेंगे मैंने तो कोई फॉर्म नहीं फिल किया मैंने तो कोई अप्रोच नहीं किया राइट इस तरीके से आपको रिजेक्शन मिलेगा फिर आगे चल के फ्रस्ट्रेशन होगा आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तीस पैंतीस हजार रुपए इन्वेस्ट करें आपको लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ गए और कोई ये भी नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट आगे सेल कैसे करना है राइट तो कुछ बिजनेस स्किल्स होते हैं ये चीजें आप कैसे सीखोगे किसी भी टीम को किसी भी इंसान को ज्वाइन करके कि आप यहाँ पे मार्केटिंग कैसे सीखोगे आप ऑटोमेशन कैसे सीखोगे आप यहाँ पे आपको सिस्टम कैसे मिलेगा काम करने के लिए राइट आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा अपलाइंस से राइट right? ये सारी चीजें पूछो उनसे ठीक है कि क्या प्रोसेस है और आगे चल के ये चीज आपकी टीम को कैसे मिलेगी आपके जो फ्यूचर टीम मेंबर्स हैं उनमें कैसे डुप्लीकेट होगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है राइट right? तो फर एवर ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा अगर आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करेंगे ना थोड़ा सा बिजनेस business... के बारे में पूछेंगे समझेंगे क्योंकि देखिए कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान होता है इसको समझ के कुछ नहीं होगा ये तो कंपनसेशन प्लान है कि आपके मेहनत पे आपको कितना पैसा मिलेगा वो एक प्लान कंपनी ने बना रखा या आप या मैं कोई चेंज नहीं कर सकता ये सबके लिए सेम है ये तो बाद में भी समझने से होगा बट पहले ही समझिए क्योंकि तो सबका काम करने का तरीका अलग है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम ही ये है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है सबका काम करने का तरीका अलग है तो जिस भी टीम को आप ज्वाइन करें वहां पे काम करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या आपको लग रहा है कि आगे चल के आप ये कर पाओगे सारी चीजें समझिए ठीक है जब आपको ये समझ में आ जाए तब जाके आप एक डिसीजन लीजिए तब जाके आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे बात समझ रहे हो और क्या होता है कि सारे यंगस्टर्स होते हैं जो फॉर एवर ज्वाइन करने वाले होते हैं तो वो सिर्फ किसी का चेक देख के किसी का लाइफ स्टाइल देख के पैसा देख के वो ज्वाइन कर लेते हैं राइट कि आओ ज्वाइन कर लो पैसे मिल जाएंगे पैसे कमा लोगे ऐसे नहीं होता ठीक है आप कभी एक नॉर्मल सोचो कि कोई भी कंपनी है जब तक सेल्स नहीं होगा जब तक मार्केटिंग नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा राइट आपको इनकम कंपनी चैरिटी करने तो नहीं बैठी कंपनी अपने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट से ही आपको पैसे दे रही है तो जब तक आप उनके लिए मार्केटिंग नहीं करोगे जब तक, तक तक आप उनके लिए सेल्स तक नहीं करोगे तब कंपनी आपको क्या चीज का पैसा देगी हर मंथ जो हम बोलते हैं यहाँ पे फोर एक्टिव करना होता है सीसी एक्टिव का मतलब होता है वन प्लस थ्री एक सीसी अपने आईडी पे तीन सीसी की ज्वाइनिंग या इसमें रिटेल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो तो एक सीसी अपने आईडी पे करना है पंद्रह सोलह हजार के प्रोडक्ट्स अगर आपको अपने आईडी पे बिल करना है कंपनी आपका सीरियसनेस टेस्ट कर रही है कि आप इस बिजनेस को लेके कितना कि सीरियस हो सोलह हजार के कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं बेच सकते तो आप कैसे करो? बात है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है यहाँ पे आप कंसिस्टेंट इनकम कर सकते हो मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है बात यह है कि आपके साथ फ्रॉड होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ पे डिपेंडेंट है आप हर बड़ा ये मत अपने क्वेश्चन सही से पूछिए ठीक है सिस्टम को सही से समझिए अगर आप ऑलरेडी फर में ज्वाइन कर चुके हो ठीक है और आपको लग रहा है कि जिस भी टीम के साथ आपने ज्वाइन किया वो सही नहीं है और आपको कंसल्टेशन चाहिए आपको चाहिए कि फर बिजनेस आप ठीक से कर पाओ तो उस केस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि आप अपना बिजनेस शुरू करो आपको टीम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपने फर एवर ज्वाइन कर लिया एकदम सही है सब कुछ सही है आप काम करो आपको थोड़ा हेल्प चाहिए फर कस्टमर केयर है और एज ए यूट्यूबर मैं YouTube पे कंटेंट बना रहा हूँ आप सबके लिए जो फ्रेवर बिजनेस में है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ व्हाट्सऐप कर सकते हैं WhatsApp का लिंक आपको आपको डिस्क्रिप्शन में में मिल जाएगा कि बिजनेस थोड़ा हेल्प चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगा ऐसा यूट्यूबर इतनी मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है दूसरी बात यह कि अगर आप फरेवर ज्वाइन करना चाहते हैं ठीक है अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे को ही ज्वाइन करो ठीक है यू ज्वाइन मी वाई यू शुड ज्वाइन मी आपको मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसका भी मैं रीजन बता रहा हूँ सबसे पहला चीज देखिए अगर आप फॉर एवर ज्वाइन करते हैं मेरे साथ मान मान लीजिए मिनिमम पांच हजार से भी ज्वाइन कर ले पांच हजार के इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन करते हैं क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है ये कोई मेरा पॉलिसी नहीं है और ये कभी भी कर सकते हो ठीक है पांच हजार रुपये इन्वेस्ट करके आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं ठीक है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को वापस से सेल कैसे करना है ताकि आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सको क्योंकि यही हमारा काम है ठीक है दूसरा चीज किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है नो कॉलिंग एंड नो कन्विंसिंग नो नो कॉलिंग एंड कन्विंसिंग किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाए कि दो टाइप के लोग जो फॉर ज्वाइन करना चाहते हैं और जो फॉर के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं ये खुद आपको अप्रोच करे चौथा चीज आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं नो बिजनेस एक्सप्लेनेशन मेरा एक ऑटोमेशन सिस्टम है जिससे बिजनेस ट्वेंटी फोर सेवन किसी को भी समझाना है तो आपका एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा पांचवा चीज़ है कि, no uh, कि राइट right, किसी का भी एक मिनट का समय नहीं लगता आपका सिर्फ समय जाना चाहिए मनी मेकिंग एक्टिविटीज के ऊपर इसके साथ साथ कैसे आप एक डिजिटल ऑन्ट्रप्रनोर बनेंगे दैट मीन आप ऑनलाइन जब काम करते हैं ना डिजिटल ऑन्ट्रप्रनोर बनेंगे जब आप ऑनलाइन काम करते हैं आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होते हैं पैसे कमाने के बिना फर से डिस्ट्रैक्ट हुए बिजनेस करते हुए तो कैसे आप और भी इनकम स्ट्रीम मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा प्योर बिजनेस स्किल्स एंड प्रॉपर सिस्टम के साथ मैं आपको काम करने बताऊंगा और ये करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है ओनली दो से तीन घंटा पर आवर पर डे आपको इन्वेस्ट करना है दो से तीन घंटा और मैं जब बोल रहा हूँ दो से तीन घंटा तो दो से तीन घंटा ही होगा इससे ज्यादा नहीं होगा इसमें आपको कोई कॉल वॉल नहीं करना किसी को कन्विंस नहीं करना प्रॉपर तरीके से काम करना है ताकि आप बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओ समय लगता है बिजनेस है राइट समय लगता है इसमें काम शुरू करने के लिए समझने के लिए मान के चलो अगले तीन से छह महीना आपको इनकम तो आएगी बट मैं चाहता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आओ कि तीन से छह महीना पहले आप सीखो समझो उसके बाद आप इनकम करना शुरू कर क्योंकि ये बिजनेस

दूसरा जैसे आप रजिस्टर करोगे फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूंगा आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताने के लिए फिर आप अपनी फाइव थाउजेंड के प्रोडक्ट खरीद के फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप ये पूरा सिस्टम आपको मिलेगा और आपका काम कैसे शुरू होगा पॉइंट बट अगर आप ऑलरेडी फॉर बिजनेस में हो और आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको फॉर बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो कि मैं आपको बत, थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे ऑटोमेशन के साथ आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो उसके इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए मैं आपको हेल्प कर

ये तीन फैक्टर्स ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं कंपनी के लेवल पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टीम के लेवल पे टीएलएफ क्रिएटर्स जो मेरी टीम टीम है बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं तो बोलूंगा अपलाइन अगर आप मेरे को ज्वाइन करते हैं बी द द बेस्ट अपलाइन इन वर्ल्ड ओके सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से आप स्टेप लीजिए वीडियो कैसा लगा राइट right? मुझे कॉमेंट ऑप्शन में बताइए वीडियो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए राइट एंड आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ठीक है एंड और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद मैंने मिस कर दिया हो बट आप मुझे कमेंट ऑप्शन बताइए मैं इसका पार्ट टू वीडियो या कोई और वीडियो में आपको बताऊंगा बट फॉर एवर लिविंग कंपनी फ्रॉड नहीं है इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है कुछ लोगों के काम करने के तरीके में थैंक यू सो मच